अगर आप मोटापे से परेशान हैं या फिर आपकी बॉडी में खून की कमी हो चुकी है या फिर खून की हिद्दत बढ़ जाने और खून में गंदे और फाजल मादों के जमा हो जाने की वजह से आपको मुख्तलिफ स्किन के मसाइल का सामना करना पड़ रहा है या फिर आपकी बॉडी में किसी किस्म का हार्मोनल इम्बेलेंस पैदा हो जाने की वजह से मुख्तलिफ पेचीदगियाँ आ रही है या फिर अक्सर आपका सर भारी रहता है या सर में दर्द हो जाता है, तो इन तमाम मसाइल के लिए आज आपको कलौंजी और मेथी दाने की एक बहुत ही जबरदस्त रेमेडी बताने जा रहे हैं। इस रेमेडी को अगर आप हफ्ते में एक या दो बार भी इस्तेमाल कर लेते हैं तो ये जितने भी आपको मसले अभी ऊपर बताए हैं ये भी और इन जैसे दूसरे तीसरे जितने भी मसले हैं उनका जड़ से खात्मा हो जाएगा। लेकिन वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी के आइकॉन को दबा दें। कलौंजी के बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अरशाद मुबारक कौन नहीं जानता कि कलौंजी के अंदर मौत के अलावा हर बीमारी के लिए शफा मौजूद है। इसी तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि सल्लम ने मेथी और मेथी दाने के बारे में अर्शाद फरमाया कि अगर मेरी उम्मत को मेथी के फवायद के बारे में पता चल जाए तो वो इसे सोने के भाव खरीदने से भी दरेग ना करे। और क्योंकि कलौंजी और मेथी दाने के इस रेमडी में कलौंजी और मेथी दाने दोनों के ही फवायद मौजूद हैं, इसलिए कितनी ज्यादा ताकतवर और फायदेमंद रेमडी है उसका अंदाजा आप खुद लगा सकते हैं। तो रेमडी को बनाने के लिए सबसे पहले नंबर पर आपको मेथी दाने की जरूरत पड़ेगी जबकि दूसरे नंबर पर आपको कलौंजी चाहिए होगी। आपने बराबर बराबर वजन में मेथी दाना और कलौंजी ले लेने हैं और दोनों को हम वजन लेने के बाद आपने आपस में मिक्स कर देना है। मेथी दाना और कलौंजी को आपस में मिक्स करने के बाद आप किसी भी जार या शीशी में डालकर लंबे अरसे तक महफूज कर रख सकते हैं। अब आपने जब भी रेमडी को तैयार करना हो आपने एक गिलास पानी का लेना है और उसे किसी साफ बर्तन में डालकर बॉइल होने के लिए रख देना है। कलौंजी और मेथी दाने की इस रेमडी को इस्तेमाल करने से बॉडी में पैदा होने वाला हार्मोनल बैलेंस जट से खत्म हो जाता है। मर्दों में भी और खवातीन में भी हमारे यहाँ हार्मोनल इम्बेलेंस बहुत ही ज्यादा कॉमन हो चुका है। लोगों को बहुत से मसाइल सिर्फ बॉडी में पैदा होने वाले हार्मोनल इम्बेलेंस की वजह से फेस करने पड़ रहे होते हैं, जैसा कि खवातीन के चेहरे पर गैर जरूरी बालों का आ जाना PCOD और PCOS, जबकि मर्दों में होने वाली मखसूस किस्म की कमजोरी और मसाइल की भी सबसे बड़ी वजह हार्मोनल इम्बेलेंस ही होता है। इसी तरह थायरॉयड भी हार्मोनल इम्बेलेंस की ही एक किस्म है। लेकिन अगर आप कलौंजी और मेथी दाने के इस रेमडी को हफ्ते में एक बार भी इस्तेमाल कर लेते हैं तो आपकी बॉडी में तमाम ही जरूरी हार्मोन्स बैलेंस में आ जाएंगे और हार्मोनल इम्बेलेंस का जड़ से खात्मा हो जाएगा, जिसके बाद जितने भी मसाइल आपको हार्मोनल इम्बेलेंस की वजह से हो रहे थे वो तमाम खत्म हो जाएंगे। इसी तरह अगर आप मोटापे से परेशान है और डाइटिंग और एक्सरसाइज करने के बावजूद भी आपका वजन कम नहीं हो रहा तब भी आप इस रेमडी को इस्तेमाल करना शुरू कर दे। ये रेमडी जिसमें मौजूद फालतू चर्बी को इस तरह से पकलाती है जैसे गरम छुरी मक्खन को पकला देती है। इस रेमडी को इस्तेमाल करने से इस कदर तेजी से आपका वजन कम होगा कि आपको खुद भी यकीन नहीं आएगा। पानी उबलना शुरू हो चुका है और अब हम इस उबलते हुए पानी में एक चाय का चम्मच कलौंजी और मेथी दाने का शामिल कर देंगे। कलौंजी और मेथी दाने की ये रेमडी आपके जिगर के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद है। इस रेमडी का इस्तेमाल न सिर्फ जिगर के अफाल को दुरुस्त करता है बल्कि जिगर को डिटॉक्स भी करता है। इस रेमडी को इस्तेमाल करने से जिगर में जितने भी गंदे और फाजल मादे जमा हुए होते हैं वो जिगर से खारिज होने लगते हैं। इसी तरह ये रेमडी जिगर के इर्द गिर्द जमा होने वाली चर्बी जो कि आगे जाके फैटी लीवर की वजह बनती है उसे भी पगला देती है। कलौंजी और मेथी दाने की ये रेमडी क्योंकि आयरन से भरपूर है इसलिए इसको इस्तेमाल करने से जिस्म में ताजा खून पैदा होता है। न सिर्फ इस रेमडी के इस्तेमाल से जिस्म में होने वाली खून की कमी दूर हो जाती है बल्कि ये रेमडी खून को प्योरीफाई करती है और खून की हिद्दत को भी कम कर देती है। जब हमारा खून प्योरीफाई हो जाता है तो हमारी स्किन भी बिल्कुल क्लियर हो जाती है और स्किन पर जितने भी मसाइल आ रहे थे जैसे कि कील मुहासे फोड़े पिंसियां और छाइयां वगैरह वो तमाम भी खत्म हो जाती हैं। इस रेमडी के इस्तेमाल से ना सिर्फ आपकी स्किन बिल्कुल क्लियर हो जाएगी बल्कि ग्लो भी करेगी। ये रेमडी आपकी दिल की हेल्थ के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद है क्योंकि इसके इस्तेमाल से दिल में ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस और इन्फ्लेमेशन भी कम हो जाती है और ये रेमडी खून की नालियां और शरीरों में आने वाली ब्लॉकेज को भी दूर कर देती है। अगर आप पर हर वक्त सुस्ती और थकावट छाई रहती है या फिर आप थोड़ा सा काम करने के बाद थक जाते हैं तब भी इस रेमडी को जरूर इस्तेमाल करें, ये तमाम मसाइल जड़ से खत्म हो जाएंगे। इस रेमडी का इस्तेमाल आपके पेट मेदे और हाजमे के निजाम के लिए भी बहुत ज्यादा फायदेमंद है। इस रेमडी को इस्तेमाल करने से पेट साफ होता है, अगर पेट में कीड़े मौजूद हैं तो वो भी मर जाते हैं। मेदे को ताकत मिलती है, बदहजमी और भूख के कम लगने जैसे मसाइल जड़ से खत्म हो जाते हैं। कलौंजी और मेथी दाने की ये रेमडी आपके दिमाग और सेंट्रल नर्वस सिस्टम को भी ताकत देती है।
होती है। अगर अक्सर आपके सर में भारीपन महसूस होता है या फिर अक्सर आपके सर में दर्द रहती है तो इस रेमेडी को इस्तेमाल करने से ये तमाम मसाइल भी जड़ से खत्म हो जाएंगे। उबलते हुए पानी में कलौंजी और मेथी दाना शामिल करने के बाद आपने इसे सिर्फ आधे मिनट यानी 30 सेकंड के लिए मजीद पकने देना है और आधे मिनट बाद आपने आग को बंद होने देना है और आपने इसे नीम गर्म होने देना है। और जब ये रेमेडी नीम गर्म हो जाए तो आपने इसे छान कर किसी गिलास में निकाल लेना है और इसमें आधे नींबू का रस शामिल कर देना है। आपकी बहुत ही जबरदस्त रेमेडी तैयार है। इस रेमेडी से बेहतरीन फायदा हासिल करने के लिए आपने इस रेमेडी को नाश्ते के बाद इस्तेमाल कर लिया करना है। वैसे तो आप इस रेमेडी को रोजाना भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन हफ्ते में 2 से 3 बार जरूर इस्तेमाल करें। अगर आप इसे हफ्ते में 2 से 3 बार भी इस्तेमाल कर लेते हैं तो ऊपर आपको जितने भी फायदे बताए हैं इंशाल्लाह ताला वो तमाम आपको हासिल हो जाएंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट्स में माशाल्लाह सुभानअल्लाह जरूर लिखिएगा, लाइक के बटन को दबा दें और मजीद वीडियो के लिए हकीम अली हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स को सब्सक्राइब कर घंटी के आइकॉन को दबा दें और ऑल नोटिफिकेशन को सिलेक्ट कर लीजिएगा।